अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ टीवी। मैं हूं फ़ख्र अली जैन। तफसीलात के मुताबिक कार नंबर AE A 2669 पर सवार नामालूम मुसल्लह मुलज़मान ने जनाह टाउन चीचा बदरी के घर में डकैती की कोशिश की। घर वालों की शोर डालने पर मुलज़मान फरार हो गए। RPO DIG महबूब रशीद ने DPO सहीवाल को तकब करके मुलज़मान की गिरफ्तारी की हिदायत जारी की। कस्बा 132 9L के करीब पुलिस मोबाइल ने मुलजमान की कार को रोकने की कोशिश की तो मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। मुलजमान नाका तोड़कर चक 87 पुल नहर लोअर बार 2 आप की तरफ फरार हो गए। RPO और महबूब रशीद के अहकाम की रोशनी में पुलिस ने मुलजमान का ताकब किया तो चक 87 6R के करीब मुलजमान ने गाड़ी छोड़ दी। फरार होते हुए मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग की। इसी दौरान मुलजमान की फायरिंग से उनका एक साथी शदीद जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसकी शनाख्त आसिफ वल्द अशरफ सकना ज़िला शेखपुरा के नाम से हुई है, जो बैनल अजलाई डकैत गैंग का सरगना और डकैत